मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संगठन के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने छिंदवाड़ा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और चौधरी चंद्रभान सिंह को संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया। मोर्चा अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा विगत कई दिनों से लगातार ये मांग उठाई जा रही कि सरकार उनकी वेतन विसंगतियों, क्रमोन्नति, पदोन्नति, महंगाई भत्ते की मांगों को जल्द पूरा करे। मोर्चा के पदाधिकारी सतीश गोंडा ने बताया कि यदि सरकार आगामी चरण तक उनकी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का यह संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। पच्चीस से 30,000 अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति के लिए वंचित है। हम चाहते हैं शासन हमारी मांगों पर विचार करे और इस मांगों को जल्दी जल्द पूर्ण करे। वहाँ भोपाल स्तर से चर्चा हुई है, आज हमारा जैसे द्वितीय चरण में माननीय जनप्रतिनिधि महोदय को ज्ञापन देना था, वो कार्रवाई हमने की है। 29 तारीख को सारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एक दिन का अवकाश लेकर सामूहिक प्रदर्शन करेंगे और उसके पश्चात भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जो डेट निश्चित होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कर्मचारी बाध्य होगा। अभी मुझे मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा इनकी कुछ मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। मैं इन लोग की जो मांगे हैं सभी कर्मचारी साथियों की कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुँचवाऊँगा और उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि समस्त कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर जिससे इनको लाभ पहुँच सके। मैं इस ज्ञापन में जो भी बातें इन्होंने दी हैं मैं सभी कर्मचारी साथियों के साथ में हूँ और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि इनकी मैं पूरी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सामान्य प्रशासन मंत्री जी को संज्ञान में जो बातें लाएंगे कर्मचारियों का जो भागी फट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए। कोरोना काल में भी जिन ने काम किए कुछ फाकल्पित हुए उनको भी जो है शासन के द्वारा निर्धारित जो सुविधाएँ मिलना है, अनुकंपा नीति मिलना है, सारी चीज़ें आप उनको भी हम तो संज्ञान में ला दें, उनको भी हम प्रभारी मंत्री जी से और कलेक्टर से चर्चा करें और उनको भी धन्यवाद।